गुड इवनिंग एवरीवन, दिस सिमरप्रीत सिंह अरोड़ा एंड आई एम बैक विद द थर्ड पार्ट ऑफ क्लास 12th फोर्थ चैप्टर द रैट ट्रैप। नाउ ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैंने दो पार्ट्स बना चुके हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू। अगर आपने बहुत डिटेल में इस चैप्टर को समझना है, यू कैन वॉच दोज पार्ट्स। आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डायरेक्टली आप लोग यूट्यूब के अंदर टाइप कर सकते हो द रैट ट्रैप अरोड़ा स्टडी सर्कल, यू विल गेट दोज फर्स्ट टू पार्ट्स। लेट्स बिगिन। नाउ इस चैप्टर के अंदर जो सेंट्रल थीम हमने डिस्कस की थी, दैट वाज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। जो वर्ल्ड हमारे आसपास है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। एंड इट ऑफर्स अस बेट्स, ये हमारे को बहुत सारी बेट्स ऑफर करता है। लाइक आपके घर में जब रैट्स वगैरह होते हैं, आप उनके लिए एक रैट ट्रैप लगाते हो। रैट ट्रैप के अंदर आप क्या करते हो, चीज या पॉक ऐड करते हो। जैसे ही रैट उस चीज या पॉक के बेट के चक्कर में, चारे के चक्कर में वहां पर आता है, वो रैट ट्रैप उस पर क्लोज हो जाता है। एंड द सेम थिंग हैपेंस फॉर अस ह्यूमंस एज वेल। ह्यूमंस बाय सीइंग द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, दे आर बेसिकली बेट्स। ह्यूमंस के सामने जो कंफर्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, ऑथर इस आइडिया को प्रेजेंट कर रहा है, वो और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ उनके सामने बेट्स हैं। एंड ये जो बेट्स उनके सामने, ये जो कंफर्ट्स ऑफ लाइफ उनके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, अगर वो इन बेट्स को ले लेते हैं, देन दे एंड अप विद द मिजरीज ऑफ लाइफ। वो मिजरीज ऑफ लाइफ के साथ में एंड अप होते हैं। So, आज की क्लास का मेरा पॉइंट है कि मैं इस चैप्टर को पूरी तरीके से आपकी एनसीईआरटी बुक से खत्म करूं, एंड आफ्टर दैट उसकी एक समरी डिस्कस करेंगे जो कॉम्प्रिहेंसिवली इस पूरे चैप्टर को ढंग से कवर करेगी। लेट्स बिगिन। अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो वैगाबॉन्ड है, जो रैट ट्रैप पेडलर है, वो चोरी करने के बाद क्रॉफ्टर के घर से 30 crore notes चोरी करने के बाद मेनर के घर पे जाता है। जब वो मेनर के घर जा रहा होता है, उसको बहुत सारी इविल फोरबोर्डिंग्स आती हैं, बहुत सारी इविल अप्रिहेंशंस आती हैं। बिकॉज वो इस चीज़ के लिए होता है, बिकॉज उसने चोरी करी है, बिकॉज ही हैज़ कमिटेड थीवरी, कभी ना कभी मेनर हाउस तक वो खबर आ जाएगी कि 30 crore notes जो है वो उस ओल्ड मैन से चोरी करे गए। ही गोज देयर, वो वहां पर जाता है। वहां पर जाने के बाद जब उसको नहा धो के सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो आयरन मास्टर जो होता है वो एस्टोनिश हो जाता है इस चीज को देखकर कि वो उसका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस नहीं होता। ही वॉज नॉट कैप्टन वॉन्सथाले, बट ही वॉज नथिंग, जस्ट अ रैट ट्रैप वेंडर। वो और कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक रैट ट्रैप वेंडर होता है। एंड जब आयरन मास्टर इस चीज को देखता है, तो उसको थ्रेटन कर दैट ही विल कॉल द शेरिफ। आयरन मास्टर थ्रेटन्स रैट ट्रैप पेडलर दैट ही विल कॉल द शेरिफ। इस बात पर जो आपका रैट ट्रैप वेंडर है, जो आपका वैगाबॉन्ड है, जो आपका नोमैड है, वो कहता है कि अगर आज शेरिफ को बुलाया गया, देन अ टाइम विल कम व्हेन द आयरन मास्टर इज चेजिंग अ पीस ऑफ पॉर्क एंड वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाएगा। यहां तक चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी हैं, इसके आगे का पोर्शन हम लोग आज डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will be caught in the trap. The Iron Master began to laugh. जब Iron Master analogy को सुनता है तो वो हंसना शुरू कर देता है। That was not so badly said. तुमने उसे कोई बहुत badly present नहीं करा, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. Perhaps हमारे को Christmas Eve के ऊपर sheriff को अकेला छोड़ देना चाहिए. But now, get out of here as fast as you can. जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ. But just as the man was opening the door, daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. जैसे ही रैट ट्रैप वेंडर, जैसे ही वैगाबॉन्ड वहां से जाने वाला होता है, डॉटर वहां पर आती है और वो कहती है, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. मुझे लगता है कि आज इसको यहाँ पर रुकना चाहिए। बेटा, what is ought? Ought is simply a synonym for should. यहाँ पर जो वर्ड आपको नजर आ रहा है ought, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सिनोनिम है should का। I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. और उसके साथ वो जाती है और जाके डोर को बंद कर देती है। What in the world are you doing? said the father. Father कहे, तुम वर्ल्ड के अंदर क्या कर रही हो? What in the world are you doing? Daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded for the vagabond. Now ab aap ek cheez dekho beta, yahan par ho kya raha hai? Yahan par daughter jo hoti hai wo is cheez ke liye kafi khush hoti hai ki wo vagabond ke liye itna kuch kar payegi, that she will be able to help the vagabond. And vagabond ke liye ek din Christmassy hoga, ek din uske paas sab kuch cheeze hongi, use khane ke bare mein, thievery ke bare mein sab cheeze sochni nahi padengi.
So she says here is that morning she had felt so happy. उस सुबह वो बहुत खुश होती है. When she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. जब वो सोच रही होती है कि उस poor hungry wretch के लिए वो कितनी अच्छी चीजें वहाँ पे present कर सकती है. She could not get away from the idea all at once. एक second में वो इस idea को drop नहीं कर सकती कि उसने पूरे दिन ये चीज सोची होती है how happy she would make the vagabond and अचानक she could not get away with the idea. She could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded for the vagabond and ये reason होता है जिस वजह से उसने vagabond के लिए intercede करा होता है. Intercede का मतलब क्या होता है? Interfere किया होता है. Now, I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long and there's probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. तो आगे से क्या कहती है? She says, I am thinking of this stranger here. मैं stranger के बारे में सोच रही हूँ, said the young girl. He walks and walks the whole year. पूरा साल वो घूमता रहता है from one place to another because he is a vagabond, he is a nomad. उसके अपना खुद का घर नहीं है. वो एक जगह से दूसरे का move करता रहता है. And there's probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. And पूरी कंट्री में एक सिंगल भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो कह सकते कि हाँ ये उसका घर है. Where he can stop, where he can feel welcome. Wherever he returns, he is chased away. जहाँ पर भी वो return करता है, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, chase away कर दिया जाता है. Always he is afraid of being arrested. हमेशा वो डर है उसको arrest होने का. And cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us. Just one in the whole year. तो आगे से क्या कहती है? कह रहे हर जगह जहाँ ये person जाता है, he is not welcome. He does not have a single home. He cannot call a place home. He is a vagabond. He moves from one place to another. He can get arrested. He can get cross-examined. And he has always the fear of being arrested. हमेशा उसके अंदर एक डर है कि उसको कभी भी arrest कर लिया जा सकता है. I should like to have him enjoy a day of peace with us. मैं चाहती हूँ कि एक दिन कम से कम पीस का इसके पास हो पूरे साल के अंदर. The iron master mumbled something in his beard. Iron master मनी मन कोई चीज बोलते हैं. He could not bring himself to oppose her. वो अपनी बेटी को एडला विल्मिंसन को अपोज नहीं कर पा रहे होते. It was all a mistake, of course, she continued. वो इसी चीज के लिए कहती है कि it was all a mistake, कि जितनी भी चीज हुई है ये सिर्फ एक mistake थी. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. लेकिन वो कहती है कि anyway, मुझे नहीं लगता कि हमारे को एक human being को यहाँ से भेज देना चाहिए. And to whom we have promised Christmas cheer, जिसको हमने कहा था यहाँ पर आने के लिए. Whom we had invited in the manor house, whom we had promised a Christmas cheer, जिनको हमने Christmas cheer promise किया था. So Edla Wilmington, she tries to defend the vagabond, she tries to defend the rat trap vendor by saying it was all a big mistake. ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बहुत बड़ी misunderstanding थी, एक बहुत बड़ी mistake थी. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being who we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. You do preach worse than a parson, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. तो वो कहते हैं यहाँ पे कि you preach worse than a parson. तुम एक parson से भी ज़्यादा preach करते हो. Parson is what? Parson is basically a priest. Said the iron master. I only hope you won't have to regret this. मैं सिर्फ इस चीज़ को hope कर रहा हूँ कि तुम अपने इस decision को regret ना करो. The young lady took the stranger by hand and led him to the table. Young lady जो होती है वो stranger को हाथ से पकड़ती है and takes him to the table. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. जब वो इस चीज को नोटिस कर लेती है कि हाँ that his father, that she had superfeeded her father, उसके फादर जो होते हैं वो गिवन कर चुके होते हैं, तो वो उसको लेकर जाती है by hand table के ऊपर बिठाती है and कहती है now sit down and eat, अब बैठ के खाना खा. The man with the rat traps said not a word. जो man rat traps के साथ होता है वो कुछ भी नहीं कहता. He only sat down and helped himself to the food. वो सिर्फ वहाँ पे आराम से बैठ के खाना खाता है. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Time after time, बार बार वो उस young girl की तरफ देखता है जिसने उसके लिए intercede किया होता है, interfere किया होता है. Why had she done it? What could the crazy idea be? क्यों उसने ऐसा किया होता है, क्यों उसने इंटरफेयर किया होता है, इंटरसीड किया होता है. व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव द रामस्टो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. इसके बाद जो क्रिसमस ईव होती है रामस्टो पे ऊपर वो नॉर्मली पास होती है, जिससे वो हर साल पास होती हो. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. स्ट्रेंजर कोई ट्रबल कॉज नहीं करता बिकॉज जितना टाइम भी वो उस मेनर हाउस के अंदर होता है वो सिर्फ सो रहा होता है. ही डिड नथिंग बट स्लीप. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. तो पूरे की पूरी forenoon, पूरे की पूरी afternoon वो सिर्फ sofa के ऊपर लेटा रहता है guest rooms के अंदर and slept at one stretch. और एक बारी में सिर्फ he was sleeping there.
At noon, they woke him up so he could have his share of the good Christmas fare. Noon में afternoon में उसको जगाया जाता है ताकि वो जाके noon का खाना खा सके. But after that, he slept again. उसके बाद वो दोबारा सो जाता है. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjow. So बेटा अगर आप लोग याद करो, हम लोगों ने part 2 में भी इस चीज की reference देखी थी, जहाँ पे हमने देखा था that he was sleeping with one eye open. जैसे ही Edla Wilmington वहाँ पे आती है, वैसे ही वो खड़ा हो जाता है. And with this we can pursue, हम इस चीज को इंटरसीड कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं दैट रैट ट्रैप वेंडर जो होता है, वैगाबॉन्ड जो होता है, डर के कारण, बिकॉज ही इज फ्राइटेंड कि उसे कभी भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, कभी क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, इस वजह से वो कभी भी आज तक ही कुड नॉट गेट अ गुड नाइट स्लीप, आज तक कभी भी एक अच्छी रात की स्लीप नहीं ले पाता. एंड दैट इज वाई जब वो रामस्टो एंड वर्क्स के अंदर होता है, वेर ही इज फीलिंग कंफर्टेबल, वेर ही इज फीलिंग सेफ, वहां पे आराम से सिर्फ सोता ही सोता रहता. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here as Ramsjow. In the evening when the Christmas tree was lighted, evening के अंदर जब Christmas tree को light किया जाता है, they woke him up again, वो दोबारा उसको उठाते हैं, and he stood for a while in the drawing room, और कुछ time तक वो drawing room के अंदर खड़ा रहता है. Blinking as though the candle light hurt him, but after that he disappeared again. तो blink कर रहा होता है कि आज तो जो candle light है उसकी आंखों में थोड़ी सी strain create कर रही है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा disappear हो जाता है. 2 hours later, he was aroused once more. 2 hours later, वो दोबारा उठता है, उसको दोबारा उठाया जाता है. He then had to go down to the dining room and eat the Christmas fish and porridge. तो 2 घंटे बाद उसको दोबारा उठाया जाता है. He goes back to the dinner room and वहाँ पर जाकर वो Christmas की fish और porridge लेता है. As soon as they got up from the table, he went around to each present and said thank you and good night. जैसे ही ये dinner खत्म हो जाता है, वैसे ही वो table present हर person के पास जाता है और जाके क्या कहता है? As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जितने भी लोग table के ऊपर present होते हैं, उनके पास जाता है और उनको thank you और good night greet करता है. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. And जब वो young girl के पास जाता है, तो वो उसे इस चीज को समझाती है कि उसके father की intention है, iron master की intention है कि वो suit को पहने, which he wore was to be his Christmas present. He did not have to return it. वो कहते हैं कि इसको वापस करने की जरूरत नहीं है, इसको तुम अपने पास ही रखो. This is your Christmas present. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace, and he sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. And यहाँ पर अगर आप एक चीज देख सकते हो बेटा, तो you can see that Edla Wilmington was actually a true friend. पहले भी आयरन मास्टर जब उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है मेनर हाउस में लाने के लिए, उसे कन्विंस नहीं कर पाता, लेकिन जब एडला विल्मिंसन अपनी काइंड, अपनी जेनरस, अपनी केयरिंग नेचर से उसे कहे, तो वो मान जाता है. यहाँ पे सेकेंड टाइम उसकी जेनरोसिटी शो करी जा रही है, जब एडला विल्मिंसन उसे कहती है कि उसके फादर की इंटेंशन है कि वो सूट जो है वो अपने पास ही रखे एज अ क्रिसमस गिफ्ट, ही इज नो बाउंडेशन टू रिटर्न इट. एंड सेकेंडली वो कहती है दैट इफ यू वॉन्ट टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इन अ प्लेस विच हैज सच पीस, जहाँ पे तुम आराम से सो सकते हो, You are welcome next year as well. तुम्हारे को अगले साल भी यहाँ पे उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ दोबारा वेलकम किया जाए. In a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, and वो इस चीज के लिए श्योर रहेगा कि कोई भी इविल उसे बिफॉल नहीं करेगा. This means that no one will hurt him. कोई उसे अरेस्ट नहीं कराएगा, कोई उसे curses नहीं निकालेगा, कोई उसे अब्यूज नहीं करेगा. No evil would befall him. उसके सामने कोई भी इविल नहीं आएगा. Now, The man with the rat traps did not answer anything to this. The man rat trap vendor होता है, वो इस चीज के लिए कोई भी जवाब नहीं देता. He only stared at the young girl in boundless amazement. वो सिर्फ उस young girl की तरफ देखता है boundless amazement के साथ में. He was astonished. He was pleasantly surprised. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगली मॉर्निंग जो आयरन मास्टर उसकी डॉटर होती है, वो सुबह सुबह अच्छे मूड में उठती हैं. दे वेक अप इन गुड सीजन, दैट मींस दे वेक अप इन अ प्लेजेंट मूड एंड दे गो फॉर द अर्ली क्रिसमस सर्विस. द गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप एंड डिड नॉट डिस्टर्ब. उनका गेस्ट जो होता है रैट ट्रैप वेंडर, जो वैगाबॉन्ड होता है, जो रैट ट्रैप सेलर होता है, वो भी सो रहा होता है और वो लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church she had learned that one of the crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat trap. So beta, jo cheez ka dar, jis cheez ka dar
रैट ट्रैप वेंडर को होता है, पेडलर को होता है कि मेनर हाउस के अंदर वो है, एंड कभी ना कभी ये बात पता चल जाएगी कि यहाँ पर चोरी हुई है। वही चीज़ हो जाती है व्हेन एडला विल्मिंसन वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द क्रिसमस सर्विस, शी लुक डिजेक्ट। डिजेक्टेड का मतलब क्या है? शी वॉज नॉट इन अ गुड मूड, शी वॉज नॉट इन अ प्लेजेंट मूड, बिकॉज उसको पता चलता है कि रैम्सचो आयरन वर्क्स के ही एक पुराने जो क्रॉफ्टर होता है उसके घर में चोरी हुई। At church, she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps. उसे एक ऐसे आदमी ने रॉब करा है जो जगह जगह घूमकर क्या कर रहा है, रैट ट्रैप्स बेच रहा है। Yes, that was a fine fellow you let in the house, said the father. And father beta sarcastic tone में क्या कहते हैं? Yes, तुमने बहुत ही fine fellow घर के अंदर entry दे रखी है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said the father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा हूँ कि कितने silver spoons जो होंगे अब तक कबर्ड के अंदर बचे होंगे। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked for the valet whether the stranger was still there. वैगन अभी वहां पे रुकी ही होती है फ्रंट स्टेप्स के ऊपर जब आयरन मास्टर फटाफट वहां से निकल के पूछता है वाले से वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, क्या स्ट्रेंजर अभी भी घर पर होता है या जा चुका होता है। He added that he had heard at church that the man was thief, और वो साथ में ये भी चीज क्लियर करता है कि उसने चर्च पे सुना है कि जो मैन उनके घर पे रह रहा है वो कोई नहीं है, वो सिर्फ एक थीफ है। द वैले आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। वैले जो होता है वो आंसर करता है कि जो फेलो था, जो रैट्रा पेडलर था, वो ऑलरेडी वहां से जा चुका है एंड उसने कोई भी चीज अपने साथ लेकर नहीं गया। द वैले आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, वो अपने साथ में कोई भी चीज लेकर नहीं गया होता। ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन द अपोजिट ही हैड लेफ्ट लिटिल पैकेज विद मिस विल्मिंसन वॉज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। वो कहता है कि ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑन द अपोजिट उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है मिस विल्मिंसन के लिए उनको एक्सेप्ट करने के लिए एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। सो रादर देन टेकिंग समथिंग, उनके घर से कोई चोरी करने की बजाय, कोई चीज लेने की बजाय, वो मिस विल्मिंसन के लिए ही एक क्रिसमस पैकेज छोड़कर चला गया। The young girl opened the package. Young girl उस package को खोलती है, which was so badly done up that the contents came into view as once. And young girl जब उस package को खोल रही होती है, तो इतनी खराब तरीके से वो पैकिंग हुई होती है कि उसको एक सिंगल टाइम पर ही जैसे ही उसे खोने लगती है वैसे उसे contents उसको नजर आने शुरू हो जाते हैं। She gave a little cry of joy. She found a small rat trap. And it lay 3 wrinkled 10 kronor notes. But that was not all. In the rat trap also lay a letter written in large jagged characters. So, आप एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे क्या होती है? Rather than taking something, rather than stealing something, जो rat trap peddler होता है, जो vagabond होता है, वो Edla Wilmington के लिए, young girl के लिए Christmas present छोड़कर जाता है। इतने खराब तरीके से उस प्रेजेंट को बनाया हुआ होता है कि जैसे ही वो उसे खोलने की कोशिश करती है, उस प्रेजेंट के सारे कंटेंट्स उसको नजर आ जाते हैं। एंड उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक छोटा सा रैट ट्रैप होता है एंड इन दैट रैट ट्रैप ले 3 रिंकल 10 क्रोनोर नोट्स, और उस रैट ट्रैप के अंदर क्या होते हैं? 3 रिंकल 10 क्रोनोर के नोट्स होते हैं। बट दैट वॉज नॉट ऑल, सिर्फ वो चीज वहां पर नहीं होती। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स, उसके अंदर एक लेटर भी होती है जो बड़े बड़े जैक्ड शेकी से कैरेक्टर्स के अंदर लिखी होती है। Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you. So, एक letter भी साथ में छोड़ता है Edla Wilmington के लिए, जिसमें उसने क्या लिखा होता है? Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, because तुम मेरे साथ इतना अच्छा behave करा है तुमने, because you have cared so much for me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. इसी वजह से आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, आई वॉन्ट टू बी जनरस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, अगर मैं एक असली का कैप्टन होता। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बैरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम इस क्रिसमस सीजन एक थीफ की वजह से एम्बैरेस हो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड वन द रोड साइड, तुम ये जो 3 10 क्रोनोर के नोट्स हैं, टोटल 30 क्रोनोर नोट्स जो हैं, वो जाकर वापस कर सकती हो उस ओल्ड मैन को ऑन द रोड साइड, हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स। सो बेटा, अगर आप ध्यान से इस चीज को नोटिस करो, उसने एक छोटा सा रैट ट्रैप छोड़ा होता है और उस रैट ट्रैप के अंदर उसने क्या करा होता है? 3 10 10 क्रोनोर के नोट्स रखे होते हैं। सो बिफोर गोइंग भी उसके दिमाग में यही फिलॉसफी चल रही होती है कि उस ओल्ड मैन ने क्या करा है, उस ओल्ड मैन ने उसको एक बेट की तरह वो 10 क्रोनोर के 3 नोट शो करे।
सो वॉट इज ही सेइंग इज, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिस एडला विल्मिंसन को बिकॉज शी इज सो केयरिंग, बिकॉज शी इज सो जनरस, सो ही इज लीविंग एज अ कैप्टन देयर एज इफ ही वॉज अ कैप्टन. एंड साथ में वो कह रहे हैं ही डिड नॉट वॉन्ट द यंग लेडी टू गेट एम्बेरस, दैट इज वाई उसने 10 crore के 3 जो बिल्स हैं, जो नोट्स हैं, वहाँ पे छोड़कर जा रहे हैं. एंड शी कैन गिव दैट मनी बैक टू द ओल्ड मैन एट द ओल्ड कॉटेज, जिसने वहाँ पे पैसे को अपने पाउच में लगा रखा है, पाउच में लटका रखा है एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स. द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्स थाले. सो वो क्या करता है इसके ना लास्ट में, वो कहता है ये रैट ट्रैप कुछ भी नहीं है, दिस रैट ट्रैप इज नथिंग बट अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट. एक रैट के पर्सन से, एक ऐसा पर्सन जो बेट में फंसने ही वाला था, उसकी तरफ से ये गिफ्ट है आपके लिए. हु वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जिस वर्ल्ड के रैट ट्रैप के अंदर फंस जाता इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, अगर उसके स्टेटस को कैप्टन की तरह नहीं रेज किया जाता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, बिकॉज उस तरीके उसके पास पावर है अपने आप को क्लियर करने के लिए, ही गॉट द पावर टू क्लियर हिज नेम, ही इज नो लॉन्गर अ थीफ नाउ, अब वो थीफ नहीं है बिकॉज ने 10 crore के 3 नोट्स वापस कर दिए. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्स थाले. सो बेटा अगर आप देखो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आता है ना, वो ये आता है कि रैट ट्रैप वेंडर जो है, पेडलर जो है, वो कैप्टन वॉन्स थाले के नाम से लास्ट में सिग्नेचर क्यों करके जाता है, क्यों वो लास्ट में रिगार्ड्स में नाम कैप्टन वॉन्स थाले लिख कर जाता है. इट इज सो बिकॉज एडला विल्मिंसन की केयरिंग नेचर की वजह से, जेनरस नेचर की वजह से ही हैड बीन एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ अ कैप्टन. That is why while he was leaving, he signed the letter as a real captain, as by the name Captain Von Sathale. So, बेटा लास्ट में कुछ भी नहीं होता, वो 10 crore के 3 बिल्स ने चोरी करे होते हैं वो वापस कर देता है. एंड साथ में कहता है कि अगर एडला विल्मिंसन उसके साथ में इस केयरिंग तरीके से, इस जन तरीके से बिहेव ना करती, देन ही वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप. आई होप बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर होगा. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन 3 पार्ट्स में मेरा एक डेलिबरेट एफर्ट था कि पूरा चैप्टर एनसीईआरटी आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए. अब इसके साथ में बेटा एक बार इसकी समरी भी डिस्कस कर लेते हैं एंड इस चैप्टर को पूरे तरीके से पैक करते हैं. अगर बेटा आज के एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड लीव योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स एज देयर अ ह्यूज मोटिवेशन बूस्टर फॉर यू. लेट्स स्टार्ट द समरी नाउ. The Rat Trap is a story about a rat trap seller who leads a very poor life as his earnings are very low. So, बेटा ये चैप्टर जो हम लोगों ने पूरा कवर करा है ये किसके बारे में है, ये एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में है, ये एक वैगाबॉन्ड के बारे में है, ये एक पेडलर के बारे में है हु इज वेरी पुअर बिकॉज उसकी अर्निंग्स बहुत कम है, बिकॉज हिज लाइफ अर्निंग्स आर वेरी लो. ही हैज टू रिजॉर्ट टू थीवरी एंड बेगिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट. उसको थीवरी करनी पड़ती है, बेगिंग करनी पड़ती है अपने दोनों एंड्स को मीट करने के लिए. ही इज अलोन इन दिस वर्ल्ड एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ. वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अकेला है और एक बहुत ही मिजरेबल लाइफ लीड कर रहा है. सो ही स्टार्ट्स नेटिंग अप वेरियस kinds of thoughts. इस वजह से उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे thoughts आने शुरू होते हैं. One of these thoughts is of supposing the whole world as a big rat trap. और इनमें से एक thought उसके दिमाग में क्या है कि जो world उसके आसपास है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा सा rat trap है. His views of the world offers us various types of baits in the comforts of life. This in turn traps us in the rat trap of the world and leads us to various types of miseries. So, बेटा as we had discussed, उसके views किस चीज़ के बारे में हैं? उसके views ये हैं कि जो world उसके आसपास है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक बहुत बड़ा सा rat trap है. And वो rat trap जो है वो आपको बहुत सारी baits offer करता है, चारे offer करता है in the form of comforts of life. And if you take those baits, अगर आप उन baits को ले लेते हो, you will be caught in the miseries of life. Every night the peddler had to search for shelter as he has no home. हर रात पेडलर को शेल्टर ढूंढना पड़ता है बिकॉज वो अपना कोई घर नहीं होता, वो एक वैगाबॉन्ड होता है. वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्राफ्टर. सो बेटा नॉर्मली जिसके भी घर वो जाता है, खटखटाता है, नॉक करता है, बहुत ही सार फेस उसको ग्रीट करते हैं, लेकिन ये दिन अलग होता है, ही इज ग्रीटेड बाय एन ओल्ड क्राफ्टर. The next morning he stole the crofter's money which he had earned by selling his cow's milk. And crofter जो होता है बेटा अपनी retirement के बाद में उसके पास एक cow होती है जिसको बेच के वो पैसे कमा रहा होता है उसके milk को. And now जो उसकी पूरे month की कमाई होती है जो 30 crore होते हैं वो ये rat trap vendor peddler उठाकर भाग जाता है, उसकी चोरी कर लेता है. Now To safeguard himself, the peddler chose the path through the forest. Because उसको होता है कि उसने चोरी करी है, because he had committed thievery, so वो decide करे, this is not
सफिशियंट अच्छा नहीं है कि वो हाईवे के थ्रू ट्रैवल करे, वो रोड के थ्रू ट्रैवल करे, तो वो डिसाइड करता है कि वो वुड्स का पार्ट लेगा, वो फॉरेस्ट का पार्ट लेगा, विच वॉज सिक्योर्ड बिकॉज वो अकेला होता है, लोनली होता है, बट सून फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट एज ही वॉजंट एबल टू फाइंड द वे आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट. लेकिन कुछ ही टाइम में वो उस डेंस फॉरेस्ट के अंदर पकड़ा जाता है, बिकॉज क्या होता है उसके पास कोई जगह ही नहीं होती, उसके रास्ता वो भूल जाता है, ही इज अनेबल टू एस्केप द डेंस फॉरेस्ट. लेटर ऑन ही फाइंड्स अ वे टू अ फोर्ज. लेटर ऑन उसको एक फर्नेस की तरफ एक फोर्ज का एक रास्ता मिलता है एंड टेक शेल्टर देयर. वो शेल्टर क्या है बेटा? दैट इज द रामशो आयरन वर्क्स. समथिंग अनयूजुअल हैपेंस. बहुत ही अनयूजुअल सी चीज होती है. आयरन मास्टर्स को मिस्टेक करता है अपने एक ओल्ड फ्रेंड के लिए, अपने एक ओल्ड एक्वेंटेंस के लिए, एंड इन्वाइट्स हिम टू हिज हाउस. उसको घर में इन्वाइट करता है. द पुअर पेडलर रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, बिकॉज उसको डर होता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो सीधा जेल के अंदर जाएगा. The poor peddler rejects the offer with the fear of being caught. Soon he is invited by the iron master's daughter. Kuch hi time mein iron master ki daughter usko wahan pe invite karti hai. The next morning he is somehow stopped by the iron master's daughter for Christmas Eve, even after being caught that he was a peddler and not Captain Von Sathale. So beta, ek question to iske andar ye aata hai ki wo iron master ki baat kyun nahi manta aur Edla Wilminson ki baat kyun maan leta hai? Because Edla Wilminson convinces him, persuades him in a very friendly manner. She shows her caring nature, her generous nature, and that is why जो rat trap vendor होता है, peddler होता है, वो decide कर लेते हैं कि हाँ वो manor house चला जाएगा. manor house जाने के बाद जब अगले दिन वो पकड़ा भी जाता है, उसके बाद भी Edla Wilminson जो होती है वो उसकी side लेती है, अपने father को convince करती है कि कम से कम एक दिन ऐसा होना चाहिए उसकी पूरी life में जहाँ वो without the fear of being arrested, बिना किसी और evil befall के वहाँ पे आराम से रह सके. The next day after Christmas, when the Iron Master and his daughter visit the church, they come to know that the man is a thief who had stolen money from the old crofter. उन्हें पता चलता है कि man और कोई नहीं है, ये एक चोरी करने वाला person है. He is a thief who had stolen money from the old crofter. The Iron Master and his daughter repent for sheltering a thief. Iron Master और उसकी daughter काफी dejected होते हैं, काफी repent करते हैं, because उन्होंने एक thief को shelter दिया अपने घर में, and wonder at what all things he would have stolen by that time. And इस time में वो कितनी चीजें वहाँ पे चोरी करके जा चुका होता है. Here comes a twist, as instead of stealing, the peddler gifts the iron master's daughter a rat trap. Instead, बेटा वहाँ से कुछ लेने की बजाय वो उल्टा Edla Wilminson के लिए एक चीज छोड़कर जाता है, और वो होता क्या? एक छोटा सा rat trap होता. She finds a letter of thanks and the stolen money inside the rat trap. उसे उस rat trap के अंदर एक letter of thanks मिलती है और साथ में उस stolen money मिलती है जो उसने उस old crofter से चुराई होती है. The peddler thanks Edla for her kindness and requests her to return the stolen money to the crofter. Peddler जो होता है thank करता है Edla को उसकी kindness के लिए और साथ में request करता है कि इस पैसे को उस old crofter के पास जाकर दे दिया जाए. This story gives us the message that goodness in a human being can be awakened at any time with your own good deeds. This line is very, very important. ये जो line बेटा आप देख रहे हो ना, this story gives us a message that goodness in a human being can be awakened at any time with your own good deeds. This line is a very important line, because यही वो चीज होती है जिस वजह से वो rat trap vendor जो होता है, peddler जो होता है, वो change हो पाता है. This is the reason because of which the rat trap vendor raises himself to the status of Captain Von Sathale. इसी वजह से जब लास्ट में वो लेटर साइन कर रहा है तो किसके नाम से साइन करता है? वो उसको साइन करता है by the name of Captain Von Sathale. Edla Wilminson के बिकॉज ऑफ Edla Wilminson's जेनरस नेचर, केयरिंग नेचर, इस वजह से वो अपने आप को एक rat trap vendor के स्टेटस से हटाकर एक कैप्टन के स्टेटस तक एलिवेट कर पाता है. दिस वॉज आर एंटायर चैप्टर ऑफ rat trap. अगर आज का एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, प्लीज लाइक द वीडियो, लीव योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड आने वाले फोर टाइम के अंदर बेटा मैं बहुत और सारी वीडियोस लेकर आऊंगा. चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस. बाय बाय.